हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन मेडिकल स्टडीज़। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कैसे करते हैं एथलीट्स वेट कम ओलंपिक्स में, या यूं कहें नॉर्मली अगर किसी को वेट लॉस करना हो कुछ कम टाइम के लिए और जल्दी में, तो कैसे किया जाता है। उसके लिए आप वीडियो में बने रहिए, वीडियो को एंड तक देखें, बिल्कुल भी मिस ना करें, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को कंटिन्यू वॉच करें। तो चलिए हम एथलीट्स से ही समझ लेते हैं कि कैसे एथलीट्स अपना 2 से 3 दिनों में 2 से 3 किलो वजन कम कर सकते हैं। रिसेंटली हमने विनेश फोगाट के बारे में देखा, सुना और न्यूज़पेपर्स की हेडलाइंस रही कि कुछ ग्राम वजन ज़्यादा होने से उन्हें ओलंपिक से बाहर कर दिया गया। तो चलिए ये कैसे अपना 2 से 3 ग्राम वजन कम कर लेते हैं, तो ये होता है कुछ टेक्निक्स के थ्रू। उन टेक्निक्स में सबसे पहले आता है वाटर मैनिपुलेशन। अब वाटर मैनिपुलेशन एक ऐसी टेक्निक है जिसमें वाटर का जो इंटेक होता है उसे नॉर्मल से कम कर दिया जाता है। जो वाटर हम डेली बेसिस पे नॉर्मली पीते हैं उसको कम मात्रा में पीने लगते हैं, और जिससे क्या हो, जो भी एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर होता है, जो भी ज़्यादा मात्रा में एक्स्ट्रा वाटर बॉडी के अंदर होता है, वो बॉडी से बाहर निकल जाए। इसके लिए बहुत सारे एथलीट्स डायूरेटिक्स का भी यूज़ करते हैं, और हाँ, ये सारी चीज़ें और ये टेक्निक्स जो होती है वो अंडर डॉक्टर और सुपरविज़न ही की जाती है। दूसरी टेक्निक होती है स्वेट इंड्यूसिंग टेक्निक। इसमें ऐसे कपड़े पहन लेना जिसमें मैक्सिमम अमाउंट में पसीना जो रहे वो बॉडी से बाहर की ओर चला जाए, या फिर आपकी बॉडी स्वेट को इंड्यूस कर सके इतने हेवी क्लॉथ्स वियर कर लेना। और अगर स्वेट अगर इंड्यूस होगा तो बॉडी में वाटर की लेवल कम हो जाएगी, और जिससे भी आपका वेट जो है वो कम हो सकता है। तीसरी टेक्निक है रिड्यूस फूड इनटेक। जी हाँ, एथलीट्स आमतौर पर अपना कार्बोहाइड्रेट्स और सोडियम को बिल्कुल ही कम कर देते हैं, और सोडियम और कार्बोहाइड्रेट्स की खास बात यह होती है कि ये पानी को बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब करके रखते हैं, तो इससे भी वेट जो है वो बढ़ सकता है। और जब सोडियम और कार्बोहाइड्रेट्स का इंटेक कम किया जाता है तो आपका बॉडी वेट कम करने में हेल्प आपको मिल सकती है। नेक्स्ट टेक्निक है इंटेंस वर्कआउट, एक्सेसिव और इंटेंस कार्डियो वर्कआउट। ये इतना ज़्यादा करते हैं कि जिससे कि आपकी मैक्सिमम अमाउंट ऑफ कैलोरी जो है वो बर्न हो सके, और अगर कैलोरी बर्न होती है तो इससे भी आपका वेट जो है वो रिड्यूस होता है। और लास्ट टेक्निक होती है ग्लाइकोजन डिप्लेशन, ग्लाइकोजन डिप्लोजन। ग्लाइकोजन, अब ग्लाइकोजन क्या होता है, ग्लाइकोजन इज अ स्टोर फॉर्म ऑफ ग्लूकोज। जैसे आपके लीवर में ग्लूकोज का अमाउंट स्टोर होता है, और जो वो स्टोर्ड अमाउंट ऑफ ग्लूकोज होता है उसी को कहा जाता है ग्लाइकोजन। तो ग्लाइकोजन डिप्लेशन मतलब, ग्लाइकोजन डिप्लोजन मतलब होता है बॉडी से जो ग्लाइकोजन के वो स्टोर्स हैं उनको तोड़ तोड़ के कम करना, मतलब कि ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में ग्लूकोज बनाना जिससे कि वो फ्यूल के अमाउंट में आपकी बॉडी के अंदर आए और ख़त्म हो जाए। ग्लाइकोजन डिप्लोजन मतलब ग्लूकोज की मात्रा में बॉडी, ग्लूकोज की जो मात्रा है उसको बॉडी में ब्लड में बढ़ा देना, किस प्रोसेस से, ग्लाइकोजन स्टोर से। तो आपके ग्लाइकोजन स्टोर से टूट टूट करके ग्लूकोज आएगा, और आपकी बॉडी का वेट इससे भी कम हो सकता है। पर हाँ, ये सारी की सारी टेक्निक्स आपको अंडर द प्रोफेशनल हेल्थ केयर के ही करनी है, या उनकी गाइडेंस पे ही आपको ये प्रोसेस जो है, वो ये टेक्निक जो है वो करनी है। अदरवाइज इसके कुछ कॉमन साइड इफेक्ट्स भी आपको फेस करने पड़ सकते हैं, जैसे डिहाइड्रेशन, इलेक्ट्रोलाइट इम्बेलेंस और फटीग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग कंप्लीट वीडियो, हिट द सब्सक्राइब बटन एंड ऑल्सो नॉट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो। थैंक यू, हैव अ गुड डे।